तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा, जो 17 तारीख को, 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आएगा, न्यूज़पेपर में क्या है, जो आपको हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपको कि बिहार दरोगा की जो एग्जाम होने वाले हैं, 2 पाली में आपको एग्जाम होने वाला है, ठीक है। वो कितने केंद्रों पर होगा, क्या इस बार जिला अधिकारी मतलब डीएम को क्या आदेश दिया गया है कि वो आपको विशेष रूप से इस परीक्षा में ध्यान रखेंगे, इसी के रिगार्डिंग कुछ मुद्दा है जो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, आइए वीडियो। देखिए, बोल रहा है बिहार दरोगा 6.61 लाख, ठीक है। आपका अभ्यर्थी 17 को जो होने वाले है एग्जाम दिसंबर में, 17 दिसंबर परीक्षा, इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। 17 को देंगे परीक्षा, ठीक है। कितने, 6.61 लाख लड़कों का 17 दिसंबर को आपको एग्जाम होने वाला है। अब बात करने वाला है यहाँ से हम मेन मुद्दा, ये पटना के पेपर कटिंग के, ठीक है। बिहार अवर लोक सेवा आयोग की ओर से दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। 17 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में 6.61 लाख, ठीक है, लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, ठीक है। परीक्षा के लिए 550 केंद्र, ठीक है, 550 केंद्र बनाया गया, जिसमें से आपको फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दो आपको होगा। फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों पाली में आपके एग्जाम होंगे। टोटल पदों की संख्या क्या है आपका, 1275 पदों पर आपका ये एग्जाम होने वाला है, जिस पर नियुक्ति होगी। अब इसमें क्या निकल क्या है, इसके भी आगे चलते हैं। सभी जिला अधिकारियों मतलब सभी डीएम को आदेश दे दिया गया है, दूसरे के बदले में परीक्षा बैठने वाले स्कॉलर पर विशेष ध्यान, आपको विशेष नज़र रखना है, ठीक है। डीएम को साफ आदेश है कि अगर आप स्कॉलर बैठाते हैं या कोई और आपके जगह पर एग्जाम देता है तो आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। परीक्षा केंद्र और केंद्र धारकों के पूरी जानकारी है कि परीक्षा में किसी तरह की कदाचार नहीं हो, ठीक है। आपको इसमें चोरी की तो ना की गुंजाइश है, ठीक है। अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो आपकी भरपूर कुटाई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले हर तरह की जांच कर ले। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले आना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए कि आपका परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले आना है। 550 केंद्रों पर होगी आपको, हर एक आपको जिले में आपको एग्जाम होने वाला है। हर एक का अपना पर्सनल पर्सनल जिले में आपको होम सेंटर ही दिया है। तो फ्रेंड, ये जो कटिंग्स थी आपको मैंने दिखलाया था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। जब तक के जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।